नहीं लग रहा। जैसे यहाँ पे कई बार ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे जो हम लोग शोरूम से लेते हैं तो वहाँ यहाँ पे ब्रांडेड भी मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो कॉटन मिलता है ये बहुत फाइन क्वालिटी का होता है, तो आपको वो चीप एंड रीजनेबल पड़ जाता है। आप लोग के दिए अलॉट है ना, ये पर्ची वाला है ना, ये एमसीडी का कितना नंबर दुकान है ये? 137। ये कितने सालों से आपका था ये? अभी कम से कम 30-35 साल। 35 साल से हो गए ना ये। कितने दुकानदार यहाँ थे टोटल? यहाँ है वैसे तो अगर कार्ड बने हुए हैं हाँ तो वो है 950 के आसपास। 950 कार्ड वाले हैं। किस नाम से ये यहाँ थी दुकान थी? यहाँ कतरन मार्केट। कतरन मार्केट। यहाँ क्या क्या बिकता था कतरन मार्केट में? सभी चीज़ें मिलती थी यहाँ पे, जैसे कपड़े हैं, रेडीमेड का भी है। अच्छा 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 अच्छा। और कॉस्मेटिक का भी है, यानी कुल मिला सारी चीज़ें मिलती थी। कौन तोड़ गया? सब्जी छोड़ के। कौन तोड़ गया? एमसीडी वाले तोड़। तोड़ने से पहले कोई सूचना दे गए, बता गए आपको? कुछ भी नहीं दिया। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों ने उसके सामने धरना प्रदर्शन भी करा है थोड़ा? तो नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को बताया नहीं क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं। आप क्या कहना चाह रही बहन जी? मैं तो ये खाने जा रहे, पता नहीं था भाई साहब हमसे भी आए तो तोड़ रहे थे, फिर हमने तमाम रोटी रखे आए घर। तो आप लोग के गल्ला सामान सब ऐसे पड़ा था उसी पे तोड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने? खोले भी नहीं थे, बस आकर रखे थे डोली सामान ला कर रखे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप इस दुकान से आपके परिवार में कितने मेंबर थे जिसका जीविका चलता था? मेरे सारा परिवार का चल रहा। कितने मेंबर थे उसमें? इस टाइम हम 9 आदमी। 9 आदमी इस दुकान से आपका काम चल रहा था, अब टूट गया। अब आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेगा मालिक, कराया जो करेंगे। आप यहाँ कितने सालों से दुकान पर बैठती थी? 40 साल हो गए। हाँ, 40 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले भी कभी टूटा है क्या? अरे कई बार तो। बहन जी आज की दुकानदारी कैसी रही? भाई भी हुई ना भाई भी। अच्छा भाई भी ना हो। इस मार्केट में आप कितने दिनों से आ रहे हो? मेरे को होगा 30 साल। 30 साल। कहाँ से आते हो आप? मैं नाराना से। आज ये दुकान टूटा हुआ देख के कुछ आपको अलग लग रहा है? बहुत दुख लग रहा है। अच्छा, दुख हो रहा, कैसा महसूस हो रहा? अरे बहुत दुख लग रहा है, इतनी दूर से आए मगर फिर भी देखो। बहन जी आप लोग मार्केट में कब से आ रहे हैं? पीछे आप लोग यहाँ मार्केट में कब से आ रहे हैं? 12 साल हो गया। आज की ये दुकान की टूटी हुई दशा देख के कुछ कैसा लग रहा है? क्या सोच रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसी मिल जाती हैं जो कि आपको, जैसे यहाँ पे कई बार ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे जो हम लोग शोरूम से लेते हैं तो वहाँ यहाँ पे ब्रांडेड भी मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो कॉटन मिलता है ये बहुत फाइन क्वालिटी का होता है, तो आपको वो चीप एंड रीजनेबल पड़ जाता है। अगर रेट कंपेयर करें तो मॉल या मार्केट की अपेक्षा यहाँ के रेट में क्या अंतर था? बहुत 90%। अगर मैं रेट से कंपेयर करूं और मैं अगर कोई चीज़ मॉल से लूं उसी ब्रांड की और मैं यहाँ से लूं तो मैं देखूँगी। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आई हैं, कौन सी जगह से? सेक्टर 11 रोहिणी। आपका नाम क्या है और दुकान नंबर क्या है? 71 नंबर दुकान है, नाम शीला है। और कितने सालों से आप यहाँ बैठी हुई हैं? 30 साल होगी। अच्छा, 30 साल के दौरान कितने बार ये दुकान टूटे हैं? जैसे इस बार अभी टूटा है? 4-5 बार टूट गया। इस दुकान टूटने से आप लोगों को किस तरह का नुकसान होता है और कितने समय के लिए होता है? बहुत नुकसान होता है हमारा, 5-6 महीने तक तो ऐसे होते बिल्कुल ही। ये पता चला कि किसने दुकान तोड़ा और क्यों तोड़ा? ऐसे पता नहीं चला किसने। या किसी पार्टी पॉलिटिक्स के शिकार हुई आप? नहीं, कोई ने ऐसे ही। ये तो यहाँ ओपन ही नहीं करते सर, इस कारण टूटा, ये तो ओपन ही नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेमचंद गंगवाल है। और ये दुकान नंबर क्या है? दुकान नंबर 263। ये 163 नंबर आपको मिला था कैसे? ये एसोसिएशन से मिला था सर। एसोसिएशन आपकी यहाँ? किस नाम की एसोसिएशन बनी हुई है? किस नाम की एसोसिएशन है? डाक वोटर वेस्ट, कत्तर मार्केट मंगोलपुरी से बनी हुई है। ये कब का एसोसिएशन है और आप लोग बैठे कितने दिनों से हुआ? ये सर 30 साल से हमारा रजिस्ट्रेशन है। हाँ। और हम 30 साल से बैठते हुए आ रहे हैं। एमसीडी हमसे जब भी आती है तोड़ के चले जाती है। आपके दुकान पे किस किस तरह के कपड़ों की बिक्री होती थी? हमारे पास बेडशीट होती है, लेसेज होती हैं, बटन्स होते हैं। हाँ। ये दुकान टूटने से क्या क्या परेशानी आपको आई? सर परेशानियाँ, बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे, इस दुकान की व्यवस्था इसी पर चलती है हमारी। इस दुकान के पीछे कितने मेंबर चल रहे थे? हमारा पूरा परिवार चल रहा है। परिवार में कितने मेंबर हैं? हम 6 आदमी हैं। कहाँ रहते हैं आप? बाप हैं,
इस दुकान से रोजाना की कमाई कितनी थी? 200-300 रुपए पर डे कमा देते हैं, कमा लेते हैं। आज आज की कमाई क्या रही? कुछ नहीं, जीरो है। कल आप क्या करेंगे? कल यही है कि देखेंगे कहीं व्यवस्था। फिर से ये दुकान छज्जा फिर से आप लगाओगे? नहीं, अब ये तो एमसीडी पे निर्भर करेगी, लगाने दे ना लगाने दे, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता सरकार। जो प्रशासन करेगी उस प्रशासन से ये पता चला दुकान किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? नहीं, ऐसा पता नहीं चला था। पता भी नहीं चला आप लोगों को? कोई आके आपका दुकान तोड़ दे, आप पूछोगे भी नहीं उनसे? कल एसोसिएशन प्रधान ने बोला था कि हो सकता है कल एमसीडी वाले आ जाए तोड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम क्या है? राम सिंह नावरिया। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। किस चीज की दुकान लगाते हो आप? रेलपुरी। कहाँ लगाते हो? बंदरन मार्केट में। कितने सालों से लगा रहे हो? 4 साल हो गया। अब ये कतरन मार्केट आज पूरा टूट गया, आज आपकी आमदनी क्या रही? आमदनी भी नहीं हुए बिल्कुल। अब कल से आप क्या करोगे? कल से कोई मार्केट बदलोगे या फिर इसी मार्केट में आओगे आप? अब 2-4 दिन तो आऊंगा, देखूंगा।